हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। सो नाउ टुडे आज हम अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ईच एंड एवरी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इसका वर्किंग जो है जरूर आता है और वो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने कई बार क्वेश्चन कराते वक्त मैंने कई बार जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको याद होगा तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6/12 बाय डिफॉल्ट अगर परसेंटेज दे रखा होता है बच्चों तो हम उसको 6/12 लेते हैं। तो हमने इसको 6/12 ही क्यों लिया, कई बार 6.5/12 भी लिया जाएगा, कई बार 9/12 भी लिया जाएगा, तो ये हमने इसको क्यों ऐसा लिया आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो नाउ टुडे वी लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं पहले छोटा सा पॉइंट पहले आपको क्लियर कर देता हूं फिर जाके हम स्टार्ट कर देंगे कि सपोज कि हमारा जो टोटल ड्राइंग है फॉर्म के अंदर आपको टोटल ड्राइंग किसी एक पार्टनर का दे रखा है और वो टोटल ड्राइंग है मान लो सपोज 10,000 रुपीज है, कितना है रुपीज 10,000 है टोटल ड्राइंग दे रखा है और जो आईओडी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 10% पर एनम। क्या दे रखा है ये 10% पर एनम दे रखा है। तो अब आपको कह रहा है कि भैया आप इसका आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दिस केस हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी मैंने पहले भी डिसाइड कर रखा है फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। सो इन दिस केस आईओडी इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाइड होता है, फॉर्मूला अप्लाइड होगा दिस इज द टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड पे अराइज होता है कि सर आपने इसको 6/12 भी क्यों लिया, आपने यहाँ पे 6/12 भी क्यों लिया, 7 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे। तो आज हम इसी टॉपिक को और 6/12 भी क्यों लिया जबकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है बट फिर भी हम 6 मंथ का ही ड्रॉइंग ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर कि हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है सिर्फ हमें 6 महीने का ही लेना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बच्चे नेचर समझते हैं, जो हमारा आईओडी है इसका पहले हम नेचर समझेंगे, ड्रॉइंग का हम पहले नेचर समझेंगे कि ड्रॉइंग कैसे पार्टनर उठा सकता है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पहले हम समझेंगे कि जो ड्रॉइंग है, जो हमारा ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग आर दैट अमाउंट व्हेन द पार्टनर यूज, ठीक है, जो पार्टनर यूज फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस रिसोर्सेज यूज करता है, ठीक है, व्हेन द पार्टनर यूज फॉर द प्राइवेट एंड पर्सनल यूज बिजनेस रिसोर्सेज, ठीक है। बिजनेस रिसोर्स का मतलब होता है बिजनेस का कोई भी रिसोर्सेज, इट इज नॉट नेसेसिटी दैट कि ओनली सिर्फ कैश ही लेता है, कैश के बदले अगर वो बिजनेस का कोई भी कमोडिटी भी अगर यूज करता है, बिजनेस का अगर वो कार भी यूज करता है, बिजनेस का अगर वो बिल्डिंग भी यूज करता है, दैट कम्स ऑल अंडर कैटेगरीज ऑफ द ड्रॉइंग, वो सारा का सारा जो है ड्रॉइंग के अंदर कैटेगराइज होता है। तो ड्रॉइंग के ऊपर बिजनेस जो है या जो फर्म जो है यहाँ पे पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट लगाती है और वो जो इंटरेस्ट लगाती है हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे फिलहाल अमाउंट की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्टनर या एक पार्टनर या दो पार्टनर यहाँ पे क्या करता है, बिजनेस में से पैसा ड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज और पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाल रखा है तो उसको इंटरेस्ट अपने फर्म को देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉइंग का नेचर समझते हैं कि हमारा जो ड्रॉइंग है उसका क्या नेचर है। जो ड्रॉइंग का नेचर है बच्चे, ये जो ड्रॉइंग है ये हम बिजनेस में फर्म ने दो तरीके से उठाने के लिए बोला गया है। आप दो तरीके से पैसे उठा सकते हो, बिजनेस में फर्म जो कहती है वो दो तरीके से पैसे उठा सकते हैं। पहला हमारा मेथड है दिस इज नॉन एज फिक्स्ड डेट गिवन। पहला क्या हमारा फिक्स्ड डेट गिवन, एक पर्टिकुलर डेट गिवन होगा और पार्टनर उसी डेट के अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस में से पैसा ड्रॉ कर सकता है। और दूसरा हमारा है, दो मेथड है इसके अंदर, और दूसरा हमारा है नो फिक्स्ड डेट गिवन। इसके अंदर कोई फिक्स डेट गिवन नहीं है, हम इसको ये भी कह सकते हैं एट रैंडम। क्या कह सकते हैं बच्चे, हम इसको एट रैंडम, जब पैसे की जरूरत पड़े तब बिजनेस में से पैसा उठा सकता है, ऐसा कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर डेट पे ही जो है ड्रॉइंग करेंगे। सो दिस इज द टू मेथड, ये दो अलग अलग मेथड है
जिससे पार्टनर बिजनेस में से पैसा को ड्रॉ करता है। नाउ द लेट्स स्टार्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग मेथड अप्लाइड होता है और इसके लिए एक अलग मेथड अप्लाइड होता है, तो वो दोनों मेथड ही हम आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में आज हम फिक्स डेट गिवन के अकॉर्डिंगली जो है पूरा का पूरा आज एक्सप्लेन कर दें। तो जो फिक्स डेट गिवन होता है, हम यहाँ पे जो मेथड अप्लाइड करते हैं, हम यहाँ पे इस मेथड को बोलेंगे दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट मेथड। क्या बोलेंगे बच्चे हम इसे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। यहाँ पे एक मेथड हम अप्लाई करेंगे दैट इज नॉन एज द सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इस पर्टिकुलर ड्रॉइंग के अंदर जहां पे फिक्स डेट गिवन होता है वहां पे सिंपल इंटरेस्ट मेथड ज्यादा अप्रोचेबल है और ज्यादा इजी है और ज्यादा फिट बैठता है। हम किसी भी मेथड में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट ये ज्यादा फिक्स डेट मेथड के अंदर ये मेथड जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट है एज अनदर देन। और जो नो फिक्स डेट गिवन है इसके अंदर जो हम मेथड अडॉप्ट करते हैं, इसके अंदर हम मेथड अडॉप्ट करते हैं बेटा दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट मेथड। इसके अंदर कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, इसके अंदर जो हम मेथड अप्लाई करेंगे उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मेथड है, दो अलग अलग हमारे पास केसेस है और उन दोनों केसेस को हम जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन रॉइंग कैलकुलेट करना पड़ता है। हम आज इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फिक्स्ड ये वाली जो मेथड है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, इसके अंदर तीन ऑप्शंस होता है और वो ऑप्शन क्या होता है, पहला होता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में अगर हम पैसा उठा लेते हैं तो क्या रूल अप्लाइड होगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हम करते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, बाद में ये हाफ ईयरली क्वार्टरली भी आएगा, विल बी डिस्कस ऑन द टेबल, फिलहाल हम यहां पे देख लेते हैं। और तीसरा हमारा यहां पे मेथड आता है एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है हमारे पास इन द फिक्स डेट गिवन के अंदर। तो अभी हम जो नो फिक्स डेट गिवन है इसको हटा रहे हैं क्योंकि हम आज इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर और क्या हो सकता है, सिर्फ मंथ ही नहीं हो सकता है, इसके अंदर एक क्वार्टरली करके एक केस आ सकता है, इसके अंदर आपका हाफ ईयरली करके केस आ सकता है। तो फिर हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या है। तो अभी मैं इसको ये फिक्स डेट गिवन इसे हम अभी फिलहाल रख कर रहे हैं, इसी के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे कि फिक्स डेट गिवन के अंदर क्या होगा हमारा। फिक्स डेट गिवन के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टरली हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी फोर सिक्स मंथ हो सकता है। बेटा हाफ ईयरली और सिक्स मंथ में दोनों में फर्क है। हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में सिर्फ दो बार पैसा उठाएगा और सिक्स मंथ का मतलब होता है छह महीने तक रेगुलर उठाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। मैं जब टेबल समझाऊंगा वहां पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में भी सेम होगा, मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टरली, ठीक है, और इसमें मिडिल ऑफ एवरी सेम फिर से सिक्स मंथ के लिए किया है। सेम इसी तरीके से एंड ऑफ एवरी मंथ में हाफ ईयरली आ जाएगा, क्वार्टरली आ जाएगा और सिक्स मंथ आ जाएगा। सो ये तीन सिचुएशन है और इन्हीं तीन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस को करना है। हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे रेडी टेबल हम शो करेंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंगली फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो बच्चे बी रेडी, दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हेन द फिक्स्ड डेट इज गिवन। दो है, एक फिक्स्ड डेट है और दूसरा क्या है, नो फिक्स्ड डेट गिवन। इसमें कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता है, एट रैंडम कभी भी हम पैसा उठा सकते हैं। और यहां पे जो मेथड अप्लाइड होता है मैंने मिटा दिया था, यहां जो मेथड अप्लाइड होता है हम उसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो ये हम बाद में सीखेंगे, बाद में स्टडी करेंगे, पहला हमारा टॉपिक जो है वो इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि कैसे हमें
किस तरीके से 6x12 क्यों आया, 6x6 और कुछ ज्यादा चेंज हो सकता है क्या, सो विल बी डिस्कस करते हैं हम अभी नेक्स्ट के अंदर। सो बच्चे चलते हैं फिर आज, अभी जो मैं हमारा जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, क्या टॉपिक बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स डेट गिवन, और फिक्स डेट गिवन में हम कौन सा फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहां अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, इसके अंदर जो है ऑलरेडी एक रेडी रिकॉर्ड टेबल दे रखा है, टेबल दे क्या रखा है, टेबल मतलब फॉर्मुलेट हुआ है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे और ऐसा उसके पीछे फिर उसके पीछे उसका जो लॉजिक है उसे भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ द लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से ये हम टेबल तैयार कर ले रहे हैं, ये आपका टेबल है, यस ये टेबल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हम एक टेबल और चार्ट तैयार कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप यहां पे वंस अगेन डेट मैंने बताया था फिक्स होगा और ये होगा वन ईयर के लिए, वन ईयर, और बच्चे मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि एक साल के लिए पैसा उठा रहा है बट वो रेगुलर उठा रहा है, ठीक है, ये रेगुलर है। देन फिर वन ईयर के लिए है, फिर इसके बाद हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, यहां बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है रेगुलर, ठीक है, यहां वन ईयर रेगुलर का मतलब है पर मंथ, एवरी मंथ ले रहा है, जनवरी में ले रहा है, फरवरी में ले रहा है, मार्च में ले रहा है, अप्रैल में ले रहा है, ऐसे। देन हाफ ईयरली का मतलब क्या है, साल में दो बार उठाएगा, ठीक है, साल में दो बार उठाएगा, कैसे है फिर वो देखेंगे। देन फिर हम लेते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली वो ड्रॉ करेगा, और लास्ट में मैंने लिया था आपको सिक्स मंथ, सिक्स मंथ का मतलब है बुक्स क्लोज ऑन सिक्स मंथ, दैट इज बुक्स क्लोज हो जा रहा है इसका 30 सितंबर को, बुक्स का क्लोज हो जा रहा है 30 सितंबर को, बिकॉज अगर फर्स्ट अप्रैल से हमारी बिजनेस स्टार्ट होती है सो अप्रैल टू 31 सितंबर में आके हमारी बुक्स क्लोज हो जाती है, तो वो सिक्स मंथ का ही होता है, अदरवाइज फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च पूरा वन ईयर है, बट हियर इन दिस केस बुक जो है हो सकता है पहला साल हो या हो सकता है 6 महीने तक की बिजनेस चला, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर हमें यह समझना है कि 30 सितंबर में यहाँ पे बुक्स क्लोज हो जा रही है और पार्टनर ने ड्रॉइंग रेगुलर, ये भी रेगुलर है, रिमेम्बर दिस इज ऑल्सो रेगुलर, ये भी हमारा रेगुलर है, उसने रेगुलर पैसा उठाया ड्रॉ किया हुआ है, तो ये भी हमारा रेगुलर का केस है। अब बच्चे हम यहाँ पे पहले तो हम समझेंगे, पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि किस तरीके से अगर ड्रॉइंग अगर वो पैसा उठाता है तो कैसे कैसे करना है। जैसे यहां पे हमारा आ जाएगा टोटल ड्रॉइंग, पहले हम क्या लेते हैं यहां पे टोटल ड्रॉइंग। सो टोटल ड्रॉइंग इन केस ऑफ वन ईयर में टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, लेट्स हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो ड्रॉइंग है वो हमारी जो ड्रॉइंग का जो अमाउंट है वो सपोज की 200 है, 1000 ले लेते हैं डायरेक्टली, इजी रहेगा। हमारा जो ड्रॉइंग का जो अमाउंट है, ड्रॉइंग का अमाउंट हमारा 1000 रुपीज है, ठीक है, तो किस तरीके से टोटल हमारा ड्रॉइंग का जो अमाउंट है 1000 है, सो अमाउंट ड्रॉन इन ईच केस ₹1000, हर केस में जो हमारा अमाउंट ड्रॉन है वो ₹1000 है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर वन ईयर तक अगर रेगुलर उठाएगा तो टोटल ड्रॉइंग इस केस में कितना होगा, 1000 × 12, टोटल अमाउंट कितना उठाएगा वो, टोटल यहां पे वो 12000 रुपीज ड्रॉ करेगा, ये वन ईयर है एंड इट इज अ रेगुलर, ये रेगुलर है। उसके बाद है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में कितना है 1000 × 12, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होगा, वो साल में सिर्फ दो बार पैसा उठाएगा, तो साल में अगर दो बार पैसा उठाएगा तो टोटल ड्रॉइंग कितना करेगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, एक बार पहले उठाएगा फिर एक बार नेक्स्ट हाफ ईयरली में के बाद उठाएगा, तो यहां पे जो टोटल ड्रॉइंग का अमाउंट होगा वो ओनली 2000 होगा, ठीक है, ये समझना जरूरी है, नहीं तो आगे क्वेश्चन करते वक्त आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या समझा रहे होंगे तो कभी मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, कभी मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा, कभी मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा, तो टोटल ड्रॉइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाता है। तो टोटल ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट समझो, अगर वो 1000 रुपीज उठा रहा है हमारा ड्रॉइंग है, तो अगर साल भर रेगुलर उठाया तो 12000 होगा इन केस ऑफ वन ईयर, इन केस ऑफ हाफ ईयरली टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ओनली 2000, क्योंकि साल में दो बार ही उठाएगा।
इन क्वार्टरली 1000 ड्रॉइंग अमाउंट है, तो क्वार्टरली मतलब फोर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर थ्री मंथ्स का होता है, ठीक है ना, एक क्वार्टर जो है हमारा थ्री मंथ्स का होता है, तो टोटल क्वार्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फोर क्वार्टर्स इन ए ईयर, एक साल में चार क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब अगर अमाउंट ड्रॉन 1000 है तो अगर वो क्वार्टरली उठा रहा है तो वो टोटल 4000 रुपया ही लेगा, क्योंकि साल में चार बार ही वो पैसा ड्रॉ कर सकता है, सो इन केस ऑफ क्वार्टरली ही टोटल हिज टोटल ड्रॉइंग विल बी 4000 एंड फॉर द सिक्स मंथ बुक्स क्लोज ऑन द 30th September हियर ही ऑल्सो, यहां पर भी वो रेगुलर पैसा उठा रहा है बट छह महीने के लिए उठा रहा है, तो इसकी टोटल ड्रॉइंग इन केस में क्या होगा, इस केस में उसकी टोटल ड्रॉइंग 1000 × 6 दैट इज अ 6000, यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग उसकी कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए हो जाएगी। बच्चे ये पहले टोटल ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि रेगुलर फॉर द वन ईयर दैट इज अ 12 months, यहाँ पे हमने हाफ ईयरली ओनली 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इन वन ईयर देर इज ओनली 2 हाफ ईयरली, दो ही हाफ ईयरली आएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इन ए वन ईयर देर इज द फोर क्वार्टर, फोर क्वार्टर होते हैं, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड विद द 4, दैट मींस टोटल ड्रॉइंग विल बी 4000। इन केस ऑफ 6 मंथ बुक क्लोज हेयर बुक्स कंटिन्यू फ्रॉम द 1st April टू 30th September, हेयर ही ड्रॉ फॉर द रेगुलर फॉर द 6 मंथ, सो वी मल्टीप्लाइड विद द 6, दैट इज अ 6000, ठीक है बच्चे। अब हम इसका मेन जो पार्ट है वो अब स्टार्ट करते हैं, अब क्या होता है वो हम देखेंगे बच्चे, एक हमारा बिगनिंग होगा, एक हमारा मिडल होगा और एक हमारा एंड होगा, क्या है हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सबसे पहले क्या है बिगनिंग, सो बिगनिंग का मतलब बिगनिंग ऑफ पर मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टरली एंड बिगनिंग ऑफ एवरी 6 month, बुक्स क्लोज ऑन द 6 month। अब ये चीजें जो मैं वहां समझा रहा था अब समझ लेना कि बिगनिंग का मतलब बिगनिंग ऑफ एवरी स्टेट, सो इन दिस केस हम कैसे अपना कैलकुलेट करेंगे तो देख लेना, यहाँ पे हमारा जो आईओडी, बिकॉज वी कैलकुलेट आईओडी, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहे हैं, सो आवर आईओडी इज इक्वल टू टीडी टोटल ड्रॉइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6.5/12 साढ़े छह महीने का इंटरेस्ट लेना होता है। अब देखो अभी तक मैं पीछे छह महीना कह रहा था, अब मैं यहाँ पे साढ़े छह महीना ले लिया, क्यों लिया विल बी डिस्कस, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम हाफ ईयरली उठाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट, पहले हम इसको बेटा क्लियर कर लेते हैं, बिगिनिंग में हो गया, देन मिडिल ऑफ दैट इज वन सेकेंड वन ईयर हाफ ईयरली क्वार्टरली एंड 6 month, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, या आ गया 6/12 जो हम बाय डिफॉल्ट लेते थे। इन द एंड ऑफ, अगर हमारा एंड है एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, एंड ऑफ एवरी क्वार्टरली, एंड ऑफ एवरी 6 month, ऑन दैट केस, इन दिस केस हम कैसे करेंगे, सेम दिस इज द टोटल ड्रॉइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 5.5/12, साढ़े पांच महीने का बच्चे इंटरेस्ट देना होता है। सो अब आपके माइंड पे, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा, अब आपके माइंड पे आने लग गया कि बिगिनिंग में साढ़े छह दे रहे हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो तो हम 6/12 कर रहे हैं और एंड हो जाता है तो साढ़े पांच महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है। बट रिमेम्बर दिस इज फॉर द ओनली वन ईयर, ये वन ईयर के लिए कैलकुलेशन है, अभी हम हाफ ईयरली पे आएंगे, हाफ ईयरली का रूल बदल जाएगा, हाफ ईयरली का रूल क्या होगा, तो हाफ ईयरली का रूल देखो, इन दिस केस टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 9/12 आ गया यहाँ पे, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली है तो हमें 9 महीने का इंटरेस्ट हमें चार्ज करने पड़ेंगे, और अगर इसी तरीके से अगर मिडिल है देन टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 छह महीने का इंटरेस्ट, और अगर एंड है देन टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12, देखो तीन तीन महीने का गैप आ गया यहां पे। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली है देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द 9 months, इफ द हाफ ईयरली इज द बिगिनिंग मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयरली है देन द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द 6 month,
एंड इफ द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली है देन इंटरेस्ट विल बी फॉर द 3 मंथ्स। ठीक है, बाकी सब जगह कॉमन है, टोटल ड्रॉइंग रेट, टोटल ड्रॉइंग रेट, टोटल ड्रॉइंग रेट सब जगह सेम है। यहां भी टोटल ड्रॉइंग रेट, टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग, मगर जो मंथ जो है वो हम देख रहे हैं हर स्टेप में बदल जा रहा है। नाउ अगर ये क्वार्टरली होगा तब क्या हो जाएगा, क्वार्टरली में देखो अब यहां पे सेम टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 बाय 12, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स फॉर द 7.5 मंथ्स। इफ यू ड्रॉ रेगुलरली क्वार्टरली, अगर वो क्वार्टरली उठाता है और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर उठाता है तो उसको 7.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो हम नेक्स्ट में आते हैं, देन टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 बाय 12, सेम एंड में अगर आते हैं देन टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 बाय 12। सो क्वार्टरली में फिर से मंथ बदल गए, बिल्कुल अलग अलग मंथ आ गया, बिगिनिंग में 7.5 मंथ्स, मिडल में 6 मंथ एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब हम आते बच्चे 6 मंथ, अगर 6 मंथ में हमारा अगर बुक्स क्लोज कर देते हैं तो ऑन दैट केस जिसमें 6 महीना तक वो रेगुलर उठा रहा है, 1 साल तक नहीं गया, ना ये क्वार्टरली है ना हाफ ईयरली है, 6 महीने तक का है, तो इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी टोटल ड्रॉइंग रेट अपॉन 100 इंटू 3.5 बाय 12, 3.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बच्चों यहाँ पे। मिडल में अगर होगा फॉर द 6 मंथ टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3 बाय 12, देन टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5 बाय 12 हम लगा रहे हैं। सो दिस इज द रेडी रिकॉर्डर टेबल, ये बिल्कुल आपके पास एक रेडी रिकॉर्डर टेबल है जिसमें हम ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला अभी जो फिलहाल मैंने आपको लगाया है, दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ये हमने किसके थ्रू लगाया है, ये हमने लगाया है सिंपल इंटरेस्ट मेथड के थ्रू। प्रोडक्ट मेथड अभी हमारा आना बाकी है, ये ऑलरेडी फिक्स है, मगर आप अगर मेरे से अगर पूछते हो कि सर ये 6.5 महीना क्यों आया, मतलब और कुछ यहाँ 9 बाय 12 क्यों आया, 6 बाय 12 क्यों आया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा इसको रट लो, रट्टा फिकेशन। देखो यहाँ पे मैंने 6 मंथ का लिखा हुआ है, मैंने ये फिलहाल बुक में भी दे रखा है मगर बुक में 6 मंथ का भी नहीं है, बुक में ये 3 ही दे रखा है, 1 ईयर हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, बट 6 मंथ का भी नहीं है, बट क्वेश्चन जो है 6 मंथ का आपके बुक में क्वेश्चन है, फिर भी मैंने 6 मंथ का आपको लिख दिया है। बट अगर पेपर में आपको 9 मंथ का आ जाए, 9 मंथ का तो मैंने टेबल बनाया नहीं है, जरूरी थोड़ी ना, जैसे 6 महीना हो सकता है वैसे 9 मंथ भी तो क्वेश्चन में आ सकता है कि ये पार्टनर ड्रॉ 1000 रेगुलरली फॉर द 9 मंथ। नाउ ऑन दैट केस क्या करोगे, 8 मंथ का आ गया, बोर्ड है कुछ भी पूछ लेंगे, 8 मंथ का आ गया कि वाई इज द पार्टनर वी ड्रॉइंग रूपीज 1000 रेगुलरली फॉर द 8 मंथ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करो तो टेबल तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, बाकी तो चीजें आपको मिल जाएगी, टोटल ड्रॉइंग और रेट तो क्वेश्चन के अंदर ही होता है, तो सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पे है, सबसे ज्यादा जो लफड़ा है, जो सबसे ज्यादा जो आपको पैनिक कर रहा है वो है मंथ, जो हम लास्ट में मंथ लगाते हैं, याद रखना यहां पे ध्यान देना, यहां 6.5 महीना आया है, यहां 6 बाय 12 आया है, यहां 5.5 12 आया है, या 9 बाय 12 है, या 6 बाय 12 है, या 3 बाय 12 है, या 7.5 बाय 12 है, 6 बाय 12 है, 4.5 बाय 12 है, या 3.5 12 है, या 3 बाय 12 है, एंड 2.5 बाय 12 है, एंड टोटल ड्रॉइंग भी ऑलरेडी डिस्कस। टोटल ड्रॉइंग क्या होता है, मैंने आपको टीडी का मतलब हमारे यहां पे क्या है, टीडी मींस टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग। आर का मतलब यहां पे क्या है, आर का मतलब है यहां पे रेट, और जो मंथ लगा रहे हैं, अब ये जो लास्ट में जो हमारा मंथ मल्टीप्लाइड हो रहा है बच्चे, इसे हम कहते हैं एवरेज मंथ, क्या कहते हैं हम इसे, एवरेज मंथ। तो 3 चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब आप कैलकुलेट करें तो 3 चीजें आपको चाहिए, थ्रू द दिस वेन अ फिक्स डेट गिवन, फिक्स डेट जब गिवन होता है तो इसमें हमें 3 चीजें चाहिए, और वो 3 चीजें क्या क्या है, टोटल ड्रॉइंग जो कि आपको इजीली पता चल जाएगा, 1000 2000 आपको दे रखा होगा, रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, बिना रेट का तो मतलब ही नहीं उठता, रेट भी आपको दे रखा होगा, एंड एवरेज मंथ ये नहीं दे रखा होगा। ठीक है, इसी का तो गेम है,
ये नहीं दे रखा होगा, तो बच्चे आपने इसी को कैलकुलेट करना हमें सीखना है। ये जो एवरेज मंथ आ रहा है सर जी, ये कैसे आ रहा है? कभी 6.5, कभी 5, कभी 5.5, कभी 9, कभी 7.5, और ये याद रखना इतना आसान भी नहीं है। तो ये मंथ क्यों आ रहा है, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करना चालू करते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। अगर क्योंकि मैंने बताया ना, क्वेश्चन के अंदर 9 मंथ्स नहीं दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको 8 मंथ्स नहीं दे रखा है, और बोर्ड ने आस्क कर लिया फॉर द 9 मंथ्स कैलकुलेट आईओडी, फॉर द 8 मंथ्स ये द पार्टनर ही ड्रॉ ओनली फॉर द 8 मंथ्स कैलकुलेट द आईओडी, नाउ ऑन दैट केस क्या करोगे? उस केस के लिए हमें जो एवरेज मंथ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, एवरेज मंथ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा, या फिर प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी वो निकल सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। मगर फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट मेथड में ये एवरेज मंथ जो हमारा सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ यस बच्चों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा एवरेज मंथ आ रहा है वो हर बार डिफर क्यों आ रहा है, हर केस में डिफर क्यों आ रहा है? वन ईयर में अलग आ रहा है, क्वार्टरली में अलग आ रहा है, हाफ ईयरली में अलग आ रहा है, सिक्स मंथ में अलग क्यों आ रहा है? तो इसको मैंने अभी पीछे लिखा था, हम इन जो भी हमारे मंथ आ रहे हैं, हम इन सारे मंथ को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एवरेज मंथ, इसको हम एवरेज मंथ कहते हैं। तो एवरेज मंथ निकालने का बच्चे फॉर्मूला है, ये अपने आप नहीं आ रहा है। एवरेज मंथ, एवरेज मंथ का हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और वो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हमारा एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, मंथ लेफ्ट आफ्टर, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय टू। सो दिस इज अ वन सिंपल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाइड करने से ये हमारा जो एवरेज मंथ है, मैं आपको एक दो प्रूफ करके दिखा दूंगा, सारा तो प्रूफ करना इतना है नहीं, बट एक दो ही प्रूफ करके दिखा दूंगा, तो बाकी आप अपने आप ही खुद ही कर सकते हो। ठीक है, सो मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय टू। बच्चे इसका क्या मीनिंग है, क्या पता चलता है इससे? इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी हमने पहला ड्रॉइंग उठाया, जब भी पार्टनर ने पहला ड्रॉइंग उठाया, उसके बाद कितने महीने बच गए, क्योंकि सबके इसमें अलग अलग है, वन ईयर में अलग आएगा, हाफ ईयरली में अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, सब में अलग अलग आएंगे। ठीक है, सो टूडे आज हम क्या करेंगे, सबका बिगनिंग का रूल समझ लेंगे, सबका तीनों चारों का केस का मैं बिगनिंग का समझा देता हूं। ठीक है, सो मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, पार्टनर ने जो पहला ड्रॉइंग उठाया कितने महीने बच गए, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, जब उसने आखिरी ड्रॉइंग उठाया तब आगे कितने महीने बच गए। ठीक है, एंड डिवाइड बाय टू कर देना है। ठीक है, सो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करते हैं दिस वन, वन ईयर का हम पहला केस डिस्कशन करने वाले हैं, ये रहा दिस वन, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर वन ईयर रेगुलर, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या लिखा हुआ है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या लिखा हुआ है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो सबसे पहला ड्रॉइंग ये कब उठाएगा, सबसे पहला ड्रॉइंग उठाएगा ये 1 अप्रैल को, हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे 6.5/12 क्यों आया इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो आगे आने वाले किसी भी मेथड में आप अपने आप मंथ कैलकुलेट करके लगा सकते हो। तो सबसे बेटा पहला ड्रॉइंग कब उठाया उसने, 1 अप्रैल को। ठीक है, और हमारी बुक्स क्लोज कब हो रही है, हमारी बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। सो अब मुझे बताना पहला क्या बोलता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो पहला उठाया 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से हमारी बुक्स कब क्लोज होती है, 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बच गए, क्योंकि पहला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, 12 मंथ कंप्लीट, पूरे 12 महीने बच गए। क्यों, 1 अप्रैल में उठाया है, अप्रैल से लेकर 31 मार्च चला दो, पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, तो यहां पे आ गया 12 मंथ्स।
दूसरा क्या बोला उसने, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो ये जो बंदा है जो हम ये वन ईयर वाला कर रहे हैं, उसने पहला ड्रॉइंग तो 1 अप्रैल को उठाया, फिर वो 1 फरवरी को उठाएगा, फिर वो 1 मार्च को उठाएगा, फिर अप्रैल उठाएगा, मई उठाएगा, जून उठाएगा, जुलाई उठाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। लास्ट कब उठाएगा वो? 1 मार्च, क्योंकि पूरा रेगुलर उठा रहा है पूरे 12 महीने तक। सो आखिरी वो उठाएगा 1 मार्च को, ध्यान रखना। ही ड्रॉ द, हमें बीच का नहीं चाहिए, वी नॉट नीड टू इन द मिडल, हमें बीच का कोई भी फिगर नहीं चाहिए, कोई भी मंथ नहीं चाहिए, पहला और आखिरी बस। पूरे ये फॉर्मूला यही है, पहला कितने महीने बच गए, हाउ मंथ, हाउ मच मंथ लेफ्ट लास्ट एंड हाउ मच मंथ एंड लेफ्ट, बीच से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो पहला उठाया 1 अप्रैल, सो पूरे 12 महीने। देन नेक्स्ट उठाया उसने 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं अभी बताओ? 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। सो प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/12। अब 1/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाम ही है इसका एवरेज मंथ। एवरेज मंथ का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा हर चीज को 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी एवरेज आएगा। जैसे परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। अगर 10% लिखा हुआ है तो क्या करोगे, 10/100। 20% लिखा हुआ है तो क्या करोगे, 20/100। सो 100 इज बाय डिफॉल्ट। इसी तरीके से एवरेज मंथ अगर बोला हुआ है तो एवरेज मंथ में क्या करोगे, हमेशा 1/12 मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/12 करोगे, ठीक है। सो बेटा कैलकुलेशन करके देखो कितना आ गया, हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं, सो 13/2 इंटू 1/12 दैट इज 6.5/12। क्लियर है? सो दिस वे 6.5 महीना आ गया, देखो आपके सामने 6.5 महीना आ गया। मैं इसका मिडल भी प्रूफ कर देता हूं, फिर सबका वन वन कर देता हूं, मिडल का मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। मिडल का देखो, मिडल का कैसे मैं प्रूफ करता हूं, अब क्या लिखा हुआ है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ है मतलब वो महीने के बीच में उठाएगा, तो महीना का मिडल क्या होगा, वंस अगेन ही ड्रॉ ऑन द 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल का मिडल क्या होगा, 15th अप्रैल। दैट मीन्स ही ड्रॉ द 1st drawing ऑन द 15th of April। सो 1st drawing 15th of April। हाउ मच मंथ लेफ्ट, बुक्स क्लोज ऑन 31st मार्च, रिमेंबर बुक्स क्लोज ऑन 31st मार्च। सो हाउ मच मंथ लेफ्ट, दिस इज द 11.5, 11.5 महीने, 11.5, ठीक है ना, 11.5 महीने बच रहे हैं, क्योंकि 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर आप काउंट करते हो तो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 15 दिन, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, पूरे 11.5 महीने। सो पहला ड्रॉ करने के बाद पूरी मंथ बच जाती 11.5। आखिर कब उठाएगा बेटा, क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ बोला गया है, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब है पहला 15 अप्रैल, 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसे करके कंटिन्यू, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15, आखिर कब उठाएगा वो, आखिर उठाएगा वो 15 मार्च, लास्ट में जाके ड्रॉ करेगा वो 15 मार्च, और 15 मार्च से 31 मार्च बुक क्लोज हो रही है। तो कितने महीने बच गए उसके हाथ में, हाउ मच मंथ लेफ्ट, हाफ मंथ का मतलब हम यहाँ पे 0.5 नोट करेंगे, दिस इज द 0.5 डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस 0.5 बाय 2 दैट मींस 12/2, 12/2 इनटू 1/2 करना है हमें, 1/12 कर देना है हमें, सो इट कम्स 6/12 और इट इज आल्सो नोन एज 1/2, 6/12, हियर इज द प्रूफ, 6/12, ठीक है। तो ये एक सिंगल फॉर्मूला है बच्चे, इस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी जगह का मंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक एंड का भी करके दिखा देता हूं, सो एंड का भी हम करते हैं, स्पेस तो फिलहाल हमारे पास है नहीं, तो अभी हमें इसको रवि करना पड़ेगा। सो एक बार हम एंड का भी इसको हम प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं आपको कि एंड में कैसे कैलकुलेट करोगे आप। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ प्रूफ फॉर द एंड, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है, हर महीने के अगर वो आखिरी में उठाता है तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा, लेट्स सी।
देखो दो हमने प्रूफ कर लिया, ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया, अब हम आते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। और हम कर किसका रहे हैं अभी, अभी हम कर रहे हैं वन ईयर रेगुलर का, हम प्रूफ कर रहे हैं। सो एंड ऑफ एवरी मंथ। सो वंस अगेन अभी हमारा ये केस चल रहा है, हम ये लेके चल रहे हैं, दो हमने डिस्कस कर लिया, ये दो हमने डिस्कस कर लिया, तीसरा लेके चल रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, और इट इज फॉर द वन रेगुलर वन ईयर के लिए है। सो एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है पहला कब उठाएगा वो, 30 अप्रैल को, कब उठाएगा 30 अप्रैल को, और बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च को, 31 मार्च नेक्स्ट कंप्लीट होगा। तो कितने महीने बच गए टोटल, कितने महीने बच गए 11, क्योंकि अप्रैल तो काउंट करेंगे नहीं, 30 अप्रैल है तो अप्रैल काउंट होगा नहीं, मई से काउंट करेंगे, मई से लेकर 31 मार्च टोटल 11 मंथ्स ही होते हैं, ठीक है। तो 11 आखिरी कब उठाएगा वो, 31 मार्च, बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च, मतलब 0 मंथ। अब आप यहां बोलोगे सर 31 मार्च क्यों, वंस अगेन एंड ऑफ एवरी मंथ है, मीन्स यू ड्रॉ ऑन द 30th अप्रैल, 28th फरवरी या 29th फरवरी, देन 30th मई, 30th, ऐसे करके मंथ के एवरी मंथ के एंड मिलेगा, 30 या 31 को एंड मिलेगा। सो लास्ट यू ड्रॉ ऑन 31st मार्च, आखिरी कब ड्रॉ करेगा वो 31st मार्च को ही करेगा, क्योंकि हर मंथ के एंड में लेना है, तो 31st मार्च को वो ड्रॉ कर रहा है और 31st मार्च को बुक क्लोज हो रही है, तो यहां पर उसको 0 मंथ आ गए। सो 0 डिवाइड बाय 2, सो 11 डिवाइड बाय 2, दैट इज द 5.5 × 1/12, कर दो एवरेज मंथ के लिए, सो दिस इज द 5.5 बाय 12, दिस इज द 5.5 बाय 12। सो नाउ हेंस इट प्रूफ कि ये जो मेथड लिखी हुई है, मतलब जो अमाउंट, जो एवरेज मंथ आपको जो लिखा हुआ है, ये एवरेज मंथ अपने आप कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, उसके लिए कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन क्या कहता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, चाहे आप वो एक साल का लो, चाहे आप वो हाफ ईयर ले लो, चाहे आप वो क्वार्टर ले लो, और चाहे आप वो 6 मंथ का लो। अभी बेटा मैं एक और प्रूफ कर देता हूं, बच्चे एक हम और प्रूफ कर रहे हैं, अब हम प्रूफ कर रहे हैं हाफ ईयरली का बिगनिंग, हाफ ईयरली का बिगनिंग प्रूफ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पहले तो आप ये समझ लो कि हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार उठाएगा, तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पूरे अकाउंटिंग पीरियड को क्या करो, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करो, जगह हमारे पास कम पड़ेगा इसलिए मुझे ये भी मिटाने पड़ेंगे। हम किसको प्रूफ करने बैठे हैं, अब हम प्रूफ करने वाले हैं हाफ ईयरली का पोर्शन को, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब साल में सिर्फ 2 टाइम्स पैसा उठाएगा, ठीक है। और अभी जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो हाफ ईयरली का हम बिगनिंग को प्रूफ कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली। देखो बेटा कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन ले लूं और क्वेश्चन करा के बेटा यहां तो 6.5 होता है, यहां 5.5 होता है, 7.5 होता है, बुक में लिखा हुआ है, नहीं कोई फायदा नहीं है, बोर्ड के अंदर 9 आ गया, 8 आ गया, 3 मंथ्स आ गया, तो आपको पता भी होना चाहिए कि मंथ्स लगाते कैसे हैं। अगर आपको लॉजिक क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लॉजिक और बेस ही क्लियर नहीं है तब तो फिर आप जानते हो बोर्ड में इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं दे रहे हैं आजकल, तो इसलिए उसका बेस जो है हमें पता होना जरूरी है कि आखिर ये मंथ हम क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा। तो अभी मैंने इन तीनों को प्रूफ कर दिया, अभी मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, फिर इसको प्रूफ कर देता हूं, फिर इसको प्रूफ कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो नाउ हाफ ईयरली का ले रहा हूं केस, किसका केस ले रहा हूं, हाफ ईयरली का केस ले रहा हूं एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली ले रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, साल को 2 हाफ में बांटो, क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, पहला हाफ ईयरली क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर पहला हाफ। दूसरा हाफ क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये सेकेंड हाफ हो गया, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार पैसा उठाएगा वो, तो पूरे साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो हाफ ईयरली। अब मैंने कहा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ,
तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है पहला ड्रॉ कब करेगा वो, पहला ड्रॉ करेगा वो 1 अप्रैल को, क्लियर है। पहला ड्रॉ कब कर रहा है वो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को बेटा का ड्रॉ कर रहा है। बुक्स क्लोज कब हो रही है हमारी 31 मार्च को, क्योंकि हर बार 31 मार्च को बुक क्लोज करना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च बचे कितने महीने बच गए, कितने महीने हैं, पूरे के पूरे 12 महीने बचे अभी, क्योंकि तो पहला ही फर्स्ट ड्रॉन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को पहला उठाया और 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने होते हैं, तो 12 आखिरी कब उठाएगा वो, सोचो आखिरी कब उठाएगा। सिंपल सी बात है, मार्च में उठाएगा, जून जुलाई का, सितंबर में उठाएगा, लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, तो सेकेंड हाफ ईयरली कब स्टार्ट होगा, यस अक्टूबर, सेकेंड इफ ड्रॉ अक्टूबर, और कब उठाएगा वो 1 अक्टूबर को। सो दूसरा ड्रॉइंग वो कब उठाएगा 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को उठाया है तो बुक्स क्लोज कब हो रही है, बुक्स क्लोज हर बार 31 मार्च को ही होगा, ध्यान रखना। सो 31 मार्च को, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितने महीने बच गए, 1 अक्टूबर भी काउंट होगा, अक्टूबर ऑल्सो काउंटेड, सो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने डिवाइड बाई 2, दैट इज 9 आ गया, इंटू 1/12 कर दो, दैट इज 9/2। ये रहा आपके सामने प्रूफ, इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली इट शुड बी 9/12, ये 9/12 आ गया आपका। सो इसी तरीके से बाकी सारी भी चीजें हैं, मैं अभी आपको क्वार्टरली भी समझा देता हूं, क्वार्टरली का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, बट ये अभी तक फिलहाल आपका आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर बार का मैजिक क्या है। मैजिक एक ही चीज है, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, बीच की ड्रॉइंग को लेने की जरूरत नहीं है, एंड इंटू 1/12 जरूर करना है, क्योंकि हम एवरेज मंथ निकाल रहे हैं और एवरेज मंथ का मतलब ही होता है 1/12। किसी का भी एवरेज निकालोगे, मंथ का एवरेज निकालोगे, तो डिवाइड बाय 12 करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फिर अभी हम बेटा स्टार्ट करते हैं किसका, क्वार्टरली का स्टार्ट करते हैं। सो क्वार्टरली के केस में भी हम देखेंगे किस तरीके से ये हमारा कैलकुलेट होता है, 7.5/12 कैसे आएगा हमारा। सो लेट सी फॉर द क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली। हाँ बच्चों, तो फिर अभी हमने आपको 1 ईयर का प्रूफ कर दिया सारा ही, हाफ ईयरली का एक प्रूफ कर दिया, एंड अभी क्वार्टरली का मैं प्रूफ करके चलूंगा सेम। अब हम क्या यहां पे क्या देख रहे हैं, हम क्या हमें निकालना है क्वार्टरली, एंड क्वार्टरली का कौन सा भी निकाल रहा हूं, क्वार्टरली का मतलब कितना है, ये 4 टाइम्स उठाएगा, कितना बार पैसा उठाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो वंस अगेन क्वार्टरली का हम बिगिनिंग को डिस्कशन कर रहे हैं, कि बिगिनिंग में आपके सामने देखो रेट एवरेज मंथ कितना आया हुआ है 7.5/12, ये रहा 7, हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं ये 7.5/12 कैसे आ गया। सो नाउ देखते हैं, इसको देखने से पहले वंस अगेन आपको पूरे एक साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने हाफ ईयरली में टू पार्ट में डिवाइड किया था, हाफ ईयरली कर दिया था 6 महीना और 6 महीना कर दिया था, इसी तरीके से क्वार्टरली में आपको साल को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि इसका 7.5 कैसे आया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, हम इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, पहला अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी एंड मार्च, क्लियर है बच्चे। 4 जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च। सो हमने पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया फॉर एवरी 3 मंथ्स, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है एज पर द रूल। अब वो सबसे पहला ड्रॉइंग कब कर रहा है, लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहला वो 1 अप्रैल को उठाएगा, सिंपल सी बात है, पहला वो 1 अप्रैल को उठाएगा, ले लिया भाई 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उठाया, बुक्स कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, कितने महीने हो गए, पूरे के पूरे 12 महीने। नेक्स्ट कब उठाएगा, नेक्स्ट उठाएगा वो यहां पे उठाएगा, नेक्स्ट भी उठाएगा, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उठाएगा। सो पहला 1 अप्रैल, देन 1st, then 2nd, फिर 1st जुलाई, देन 1st अक्टूबर, मगर हमें बीच से कोई लेना देना नहीं, हमें तो पहला और आखिरी चाहिए। आखिरी कब उठाएगा वो, आखिरी उठाएगा वो 1st जनवरी को, क्योंकि हमें ये और ये लेना है, पहला और आखिरी लेना है, इन दोनों को नहीं यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला में कह रहा है मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस
month left after the last drawing divide by 2. So आखिरी कब उठा रहा है वो 1st January को, और 1st January से 31st March बच्चे कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 months divide by 2. आपके सामने है 12 + 3 / 2 दैट इज अ 15 by 2. 15/2 मतलब कितना हो गया? इंटू 1/12 आपको लगाना ही पता है, दिस इज अ 7.5/12. हेंस इट इज प्रूव्ड. फिर से आपका प्रूव हो गया कि 7.5 महीने का ये देखो आपके सामने था, हमने इसको प्रूव कर दिया. इस तरीके से क्वार्टरली मिडिल में भी ऐसा ही होगा और एंड में भी ऐसा ही होगा. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं इसके बारे में फिर से डिस्कशन आगे कर सकता हूं. नाउ एक आखिरी और हम कर लेते हैं यहां पे, ये रहा फॉर द 6 month. अब यहां पे रेगुलर है, यहां रेगुलर है और सिर्फ 6 महीने के बिजनेस हमारा चल रहा है. मतलब क्या है, हमारा अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, फुल स्टॉप. और वो हर महीने के बिगनिंग में पैसा उठा रहा है, हर महीने के बिगनिंग में उठा रहा है. तो पहला उसने 1st April को उठाया. पहला कब उठा रहा है वो? 1st April को पैसा उठाएगा. तो पहला कब उठाएगा वो? अगर हम 6 month वाला अगर हम टॉपिक लेके चल रहे हैं तो फॉर द रेगुलर है. सो फर्स्ट ही ड्रॉ फॉर द 6 month. 6 month मतलब 6 times पैसा उठाएगा. यहां पे अर्ली नहीं है, 6 times उठाएगा. फर्स्ट ही ड्रॉ ऑन द 1st April. एंड हेयर अभी तक हमारा बुक जो है वो 31st March में क्लोज हो रहा था, मगर यहां पे हमारी बुक 30th September को क्लोज हो रही है, क्योंकि 6 महीने में बुक्स क्लोज हो जा रही है. ये मैंने पहले लिखा हुआ था 30th September. यहां हम 31st March तक नहीं गए हैं, यहां हम 30th September में बुक्स क्लोज कर दे रहे हैं. सो 1st April टू 30th September, दिस इज 6 month. आखिरी कब उठाएगा? 1st September. एंड 1st September टू 30th September दैट मीन्स 1 month डिवाइड बाय प्लस इंटू 1/12 दैट इज 3.5/12. So, hence, ये भी हमारा प्रूफ हो गया. इस तरीके से बच्चों आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सिंपल इंटरेस्ट मेथड सीखा है. सिंपल इंटरेस्ट मेथड का मीनिंग क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड मीन्स कि यहां पे रेगुलर ड्रॉइंग 1 साल का हो सकता है, रेगुलर ड्रॉइंग हाफ ईयरली हो सकता है, रेगुलर ड्रॉइंग क्वार्टरली हो सकता है, रेगुलर ड्रॉइंग 6 month का हो सकता है, और वो चाहे तो बिगनिंग में हो सकता है या मिडल में हो सकता है या एंड में हो सकता है. डेट फिक्स होगा तभी इसको कहते हैं डेट फिक्स. ठीक है, इसमें हम डेट चेंज नहीं कर सकते, पार्टनर कोई डेट नहीं चेंज करेगा. अगर डेट फिक्स है तो आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड अप्लाई कर दोगे, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है IOD = फॉर्मूला क्या बेटा? फॉर्मूला आपको लिख देता हूं मैं. फॉर्मूला होगा आपके यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, IOD = TD टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12. जितना भी मंथ आएगा उसको डिवाइड बाय 12 से कर दो. सो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम प्रोडक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, और जब प्रोडक्ट मेथड डिस्कस कर लेंगे तब एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, क्योंकि मैंने लॉजिक आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि हम मंथ कैसे और क्यों लगाते हैं. अगर पेपर में भूल जाओ तो 8 महीने या 6 महीने आप मंथ को ऐसे लगा सकते हो. ठीक है बच्चों, टिल देन बाय. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. जब तक आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए.